अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप सबका भाई मुकरी सालार आपके सामने आने की वजह आज महानगर पालिका के इलेक्शन के आने के पहले सालार फैमिली यानी कि मैं मेरे भाई जितने भी है सबको और एक बार फंसाने की कोशिश कर रहा है। तौफीक इस्माइल शेख जो फॉरेस्ट में रहता है, प्रभाग 34 का नगर सेवक है MIM का, अभी शायद दूसरी पार्टी में गया होगा, और आपको हर इलेक्शन के पहले पूरे सालार फैमिली को फंसाने की कोशिश करता है। तो वो चाहता है कि इससे पहले जब मर्डर हुआ था 2007 में जब्बार नगर सेवक का, उसमें हमारे भाई लोग तो कुछ भी नहीं थे, झूठे शख्स झूठे पंच देकर हमारे सब भाई लोगों को चाचा को फंसाया। उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई, जब पहले तो जब 4-5 कंपनियों में झगड़ा था मलंगपीर में, शहर काजी साहब थे, एक दूसरे कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देंगे कर कुरान पर हाथ रखे थे। उसके बाद में भी हमको धोखा दिया। उसके साथ साथ जैसा ये मर्डर केस का लपड़ा चल रहा था, ये मेरे भाई और चाचा ने तो किया ही नहीं, फिर भी हमको झूठे शख्स झूठे पंच देकर सबको फंसाया, ये तौफीक शेख। फिर उसके बाद में फारिस्ट में हमारे कुछ जिम्मेदार और हमारे दादा बागलकोट के डॉक्टर अब्दुल रशीद सालार फॉरेस्ट में जाने के बाद अल्लाह के घर में ठहर कर इन्हें हमको धोखा दिया कि मैं सब कर लेता बोल, क्योंकि झूठे शख्स झूठे पंच उसने दिया था। फिर भी हमारे भाई लोग को सजा लगी, हमारे भाई लोग का कुछ कसूर नहीं था, चाचा लोग का भी कसूर नहीं था। फिर उसके साथ साथ अभी और चाल चलने की कोशिश कर रहा है आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले। मेरे को और मेरे पूरे भाइयों को, जैसे कि पूरे सालार फैमिली के जो भी दोस्त अहबाब है जो एरिया के, सबको महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले ये और कुछ ना कुछ झगड़ा प्रसाद करके हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर नम्र विनंती कर रहा हूँ, अगर हमारे साथ किसी का झगड़ा होता है या किसी के साथ बहस होती है तो पूरी चौकसी पूरी इंक्वायरी करे शिवा हमारे ऊपर केस करो ना, ऐसा नम्र विनंती है। क्योंकि हमारे को हर टाइम फंसाया जाता है, हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि हम जब झगड़ा करते हैं तो लोगों को दिखता है, जब नहीं भी करते हैं तो भी हमारे साथ में हमको फंसाया जाता है। हम झगड़ा प्रसाद छोड़कर हम अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाह रहे हैं, मैं अकेला नहीं मेरे पूरी सालार फैमिली, क्योंकि हम झगड़े से बस हो गए, पूरे पीढ़ाने पीढ़ी से ये चल रहा है, क्योंकि हम तो कभी किसी के साथ गलत करें नहीं, हर टाइम हमारे साथ गलत होता है। फिर उसके साथ साथ ये हमारे को मस्जिद में ठहर कर हमको धोखा दिया, कुरान पर हाथ रख कर धोखा दिया। इसको कौम का रहबर मानते हैं कुछ लोग, हम तो कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारे पूरे भाइयों को हमारे चाचा लोगों को इसने फंसाया, और यही चाल और करने वाला है कि महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले हमको सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बोल सकते तुम, मत्तूलाल कुंटे साहब जो कुंटे गए हैं, इनको 2 लाख रुपए देने के लिए बोला था जो कॉम्प्रोमाइज़ के टाइम पर, उसको हम 2 लाख रुपए भी दिए, झूठे शख्स झूठे पंच के भी पैसे लिया तो भी हमको धोखा दिया। कुछ जिम्मेदार भी थे उनको भी पता है कि हमको धोखा दिया। आज मेरे भाई ये झूठे शख्स झूठे पंच भर कर आज हमारे भाई लोग को सजा लगाया। 2 लाख रुपए ये साक्ष और पंच के वास्ते कॉम्प्रोमाइज के वास्ते, ये तौफीक शेख के वास्ते, मत्तूलाल कुंटे अभी मरहूम बेचारे मर गए, और मरहूम जब्बार नगर सेवक उनके मैटर में, इसके साथ हाँ उनके मैटर में, और इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ना हमारे बाबा सालार का, हमारे चाचा का था, ना मेरे भाइयों का था, फिर भी हमारे ऊपर अति और जुल्म कर हमको फंसा दिया। आपको क्यों फंसा? अभी वहाँ से पॉलिसी के पैसे मिले ना उसको, पॉलिसी के जो उन्हें मरने के बाद जो उसके पॉलिसी के पैसे थे वो उसके फैमिली वाले ने इसको दिया। जब्बार नगर सेवक जो कॉरपोरेटर थे कांग्रेस के, उनकी जो घटना हुई, घटने में तो ना मेरे भाई थे ना मेरे चाचा लोग थे, फिर भी उनको झूठे शख्स झूठे पंच में डालकर उनको फंसाया गया। तो ये मैटर में जिसका जैसा ये घटना हुई उसके जो पॉलिसी के पैसे थे वो पैसे तौफीक शेख लेकर झूठे शख्स झूठे पंच भर कर हमारे को फंसाया। डरने घबरने वाले का नाम नहीं है, पर अब बस हम झगड़ा लपड़ा छोड़ दिए, हम हमारी जगह रहना चाह रहे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम अच्छी जिंदगी बसर करना चाह रहे। आपने पुलिस को कुछ ऐसा पत्र वगैरह दिया क्या, लेके क्या? पूरा लेके दिया कलेक्टर ऑफिस में, जब हम मेरे अब्बा रहीम सालार जिंदा थे उनको भी खंडनी मंगा था, जब मेरा भाई इमरान सालार राकेल डाल लिया था कलेक्टर ऑफिस में सदर बाजार में, वो कम्प्लेंट भी नोंद है आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पूरे पुलिस प्रशासन और कुछ लोग उसके साथ में थे। आज इसीलिए मैं पत्रकार परिषद लेकर और आप सबको बुलाकर बोलने की एक ही वजह है कि मैं पुलिस
प्रशासन से हाथ जोड़कर कमिश्नर साहब हो कोडेकर में साहब कौन से भी जो मैडम है उनसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती कर रहा हूँ, अगर हमारा कुछ झगड़ा प्रसाद होता है पूरा चौकासी पूरा इंक्वायरी करे शिवा हमारे ऊपर केस नहीं होना, इतने मैं नम्र विनंती कर रहा हूँ। खुशखबर 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 खास 10वी आणि 12वी तसेच डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांसाठी आता सोलापुरात भारत सरकार महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त CNC आणि VNC ट्रेनिंग सेंटर। आमच्या ट्रेनिंग सेंटर मध्ये CNC ऑपरेटिंग, डिप्लोमा इन CNC टेक्नॉलॉजी, CNC ऑपरेटिंग अँड प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन CNC टेक्नॉलॉजी आणि CNC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग उपलब्ध, आणि हे सर्व कोर्सेस कॉलेज करून ही करता येणार। जॉब न मिळाल्यास पैसे हम खास परत, तर वेळ कशाला घालवता, आजच आमच्या कार्यालयास एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता टेक्निकल इंस्टिट्यूट 162 इन्फो पार्क बिल्डिंग पहिला मजला पुमा मेडिकल जवळ 7 रस्ता सोलापूर आणि एस इंजिनिअरिंग सिद्धेश्वर साखर कारखाना पेट्रोल पंपा जवळ सोलापूर। मोबाईल नंबर 70 30 37 37 54 तसेच 95 27 00 00 03। तर एकदा अवश्य भेट द्या आणि आपला प्रवेश निश्चित करा।